तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी जो है ना, थोड़ा थोड़ा ठंडा का मौसम आ चुका है, तो अभी हम लोग आए हुए हैं छत पे और ध्यान पूर्णिमा भी ख़त्म हो गई है। तो अब जो है ना, हम लोग करने वाले हैं क्या, लाइट को खोलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी लाइट को खोल करके रखते हैं, फिर अगले साल भी तो जलाना है ना। तो लाइट पता है अभी भी जल ही रहे हैं सारे लाइट, मतलब दिन भर रात भर जलते रह रहे हैं। इसमें बहुत सारे अभी दो लाइट शायद ख़राब हो गए, मतलब जल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझे। दो लाइट ख़राब हो रखे हैं, बाकी जो सारे लाइट देखो अभी भी जल रहे हैं। जैसे कोई बंद करने वाला है नहीं, एक्चुअली काम कंप्लीट हो गया एक लाइट का, मतलब इस लाइट की बात बोले ना, देखिए इसका ये टूट गया। फाइनली जो है सारा चीज़ खुल चुका है, और यहाँ पे कुछ प्रचार वाले, हमारे इधर इलेक्शन हुआ नहीं है तो इसके लिए प्रचार वाले की आवाज़ कुछ बैकग्राउंड में आपको सुनने को मिल रहा होगा। बाकी ये प्लॉथिन आ चुकी है, अब इसको हम लोग रखने वाले हैं, क्योंकि प्लॉथिन में फटाफट तो अभी हमें जाना पड़ रहा है खगड़िया, क्योंकि भैया का एक डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना है। तो फाइनली जो है यहाँ पे सामने दिख गया डीटीसी कुरियर, क्योंकि ऐसे भी उन्होंने लोकेशन बता दिए थे कि एक जो मोबाइल सेंटर है, मतलब आरिफ मोबाइल सेंटर, मतलब रिपेयरिंग उसके, उन्होंने उनको नाम नहीं पता था तो उन्होंने सिर्फ बोला था मोबाइल सेंटर। तो अभी मतलब वहाँ पे सामने दिख रहा है, जैसे इस दुकान के बगल में जो है ना, ये डीटीसी कुरियर है, तो यहीं पर अभी कुरियर करना है। बाकी ये देखिए, अगर भेजना हो छटका प्रसाद तो डीटीसी कुरियर को करिए यार, मज़ा आ गया। ये देखने के बाद है ना, अलग ही सुकून मिल रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ, मतलब छठ पूजा जो है ना, एक मतलब इमोशन सच में नहीं है, ये एक मतलब मोटिवेशन कहा जाए। तो ये है भैया का मतलब फेवरेट बिरयानी कॉर्नर, मतलब यहाँ पे ना भैया ने बताया, जब भी खगड़िया आता हूँ तो अगर सारा काम हो गया तो अगर टाइम मिलता है तो बिरयानी इनके यहाँ का खाता हूँ, क्योंकि इनके यहाँ का बिरयानी का मतलब जवाब ही नहीं है मेरे को। खगड़िया में सबसे अच्छा बिरयानी मुझे यहाँ ही लगता है। मैंने कहा चलो फिर ठीक है, मतलब हम भी चख लेते हैं फिर थोड़ा सा। पैसा आया 18,000, 250 ग्राम बिरयानी में ही मेरा पेट भर गया। मतलब भैया तो शायद 500 ग्राम खाए, बट मेरा तो 250 ग्राम में ही पेट भर गया। बाकी यहाँ से अब निकलते हैं, बाय बाय खगड़िया, फिर मिलेंगे। And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think I love her. This is what I do. तो फाइनली जो है गिफ्ट भी खरीद के आ गई है, और यहाँ पे अब नाम लिखने की बारी है। तो अपन पहले नाम लिखते हैं, ANSHU के बाद क्या रहा है, RANJAN। बाकी नाम भी हो गया, बाकी अब सिर्फ बाय बाय। तो अभी हम निकल चुके हैं बर्थडे के लिए, लेकिन ये तो आज का वीडियो जो है अंत करने से पहले मैं बताने वाला हूँ कि आज का दिन जो है क्या क्या रहा। तो आज का दिन में सबसे पहले मुझे लाइट खोलना पड़ा, वैसे उससे पहले मुझे कोचिंग जाना पड़ा, कोचिंग से आया, देन लाइट खोलना पड़ा, लाइट खोलने के बाद मुझे खगड़िया जाना पड़ा, खगड़िया में स्वादिष्ट बिरयानी खाने को मिला, और कुरियर का जो रूम था ना वो देखा हुआ नहीं था, तो इस बहाने से चलो देख लिया, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है आप लोगों को कुछ कुरियर करना पड़े, या फिर मतलब कुछ आए कुरियर में तो वहाँ से लाने में सही रहेगा, क्योंकि पहले थोड़ा था मतलब, अब जैसे इस बहाने से चलो देख लिया।
देन उसके बाद वहाँ से आया तो कोचिंग जाना पड़ा। कोचिंग में एकदम परफेक्ट टाइम पे ही आया, मतलब कुछ ज़्यादा जल्दबाजी करना पड़ गया, मतलब वहाँ जाने में फिर 10 मिनट लेट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वो मैनेज हो गया। तो उसको वहाँ से आ तो गए टाइम पे। देन उसके बाद बर्थडे का था, मतलब इनवाइट आया हुआ था घर में, तो दादी बोली तुम ही को जाना है, तो मैंने बोला चलो ठीक है। लेकिन अमित भैया के लेट के चक्कर में, वो अनिल भैया का वेट कर रहे थे, तो अनिल भैया इतना लेट लगा दिए, इतना लेट लगा दिए, क्या ही बोले। तब तो गिफ्ट उफ्ट लेने में, मतलब वो मैं तो थोड़ा पहले ले आया था, शाम में ही ले आया था, जैसे मतलब कोचिंग से उधर से लौटा उधर से ही गिफ्ट लेते हुए आ गया। लेकिन अमित भैया अनिल भैया ये लोग इतना लेट लगा रहे थे ना गिफ्ट लेने में। एक्चुअली ये दोनों चाय पीने के लिए चले गए थे, जहाँ पे हम लोग जाते हैं चाय पीने के लिए एक्चुअली, तो वहाँ से आने में ये लोग लेट लगा दिए। तो अब हुआ क्या कि जब तक हम गए तब तक मैं पूरा केक को कट चुका था एकदम ख़त्म, बाय बाय टाटा। तो हमारे लिए वेट तो नहीं करते ना, तो इसलिए कुछ मतलब केक कटिंग का नहीं। जब मैं गया तो तब देखे दो तीन हमारे दोस्त लोग डांस कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो इसका कैप्चर किया जाए। तो डांस का इतना हंसी लग रहा था ना, मतलब डांस उसका डांस अगर पूरा देखते ना तो बहुत मज़ा आता, लेकिन ज़्यादा नहीं डालने का डांस। तो फिर डांस कर रहे थे वो लोग, तो मैंने उसके बाद केक खाया, मतलब भोज खाया। देन अभी आ गया हूँ, अब करूँगा वीडियो एडिट, तो अभी के लिए वीडियो को करते हैं एंड, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम तोड़ गए जब तुम झुके।